बोनी का टाइम है पट्ठो, बस वो आने ही वाला है। आएगा तो खाएगा। ड्रैक्स, तुमने रॉकेट का हवाई जैकेट क्यों नहीं पहना है? हाँ, मेरी छाती छिल जाती है। और इसका क्या, ये क्या कर रहा है? मैं बैंडविड्थ फिक्स कर रहा हूँ ताकि बैंड अच्छे से बज सके। ये अभी जरूरी है क्या? अरे क्विल से पूछ, इसी को गाने बजाने का शौक है। नहीं नहीं, सीरियसली, मैं ड्रैक्स से सहमत हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तू जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है क्विल। तुम्हारा आँख मारना मुझे साफ दिख रहा है। माधुरी, मैंने अपनी बाई आँख मारी? वो तुझसे बात नहीं कर रहे थे छोटू। क्रूट, रास्ते से हट जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। इस गेंडे की खाल तो बाहर से कुछ ज्यादा ही सख्त है, इसे अंदर से चीरना होगा। रुको ड्रैक्स, उसने कहा कि इसकी चमड़ी बाहर से मोटी है इसलिए वो अंदर से उसे। कोई तो चमड़ी होती है, चाहे वो अंदर की हो या बाहर की। मुझे तो ये पता ही नहीं था। मैंने अकेले ही इस शैतान को फाड़ दिया। क्या? हमारी आवाम का हर एक शख्स नायाब है। यहाँ हर एक शख्स को लेबोरेटरी में खास डीएनए से पैदा किया जाता है। बच्चे पैदा करने का मुझे तो सिर्फ एक ही तरीका आता है। अच्छा, कभी हमें भी तो अपने तरीके से वाकिफ कराइए, देखें तो सही आपके तरीके में कितना दम है। मैं तो सबकी मदद करता ही रहता हूँ। बहुत हो गया, तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम्हें बचपन से ही पी लिया है। ज्यादा पी ली थी क्या? माधुरी, फिर से गलत आग मार दिया ना। शुक्र मनाओ तुम्हारा कीमा नहीं बना। आंटी का फ्यूज उड़ने वाला है। ये देख बैटरी। बिन बुलाए मेहमान, ये सॉवरेन सेना हमारा पीछा क्यों कर रही है? अब क्या काम याद आ गया? क्योंकि रॉकेट के पॉकेट में उनकी बैटरीज है। अरे तू, पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ गया, अजीब लोग हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने सोचा सबके मोबाइल चार्ज हो जाएंगे। मजाक सोच रहा है तुम्हें? ट्रैफिक बढ़ रही है। अच्छा, अब इनकी रसीद काटता हूँ। तुम इसे पार करके तो मैं तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे अच्छा पायलट मान लूंगा। अरे यार, वो तो मैं हूँ। इस स्कूल में तू पढ़ता है ना, मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ। जिस स्कूल का तू प्रोफेसर था, मैं वहाँ का प्रिंसिपल था। हमारा प्रिंसिपल आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है, समझे? चुप करो अनपढ़ो। अरे तू, पतंग भी ऐसे ही उड़ाता है। क्या मैं तुम्हारे डॉगी को पुचकार सकती हूँ? हाँ। तुम्हारे अंदर भूख है। हाँ, भूख तो मुझे लगती रहती है, मुझे खाने का बहुत शौक है। जिस्म की भूख? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इसने सबके सामने अभी तुम्हारी पोल खोल दी। क्विल, ये टकले, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चल चिल मत। कैसे हो चूजे? तू कैसा है बे नीलिमा? एक नंबर। सरदार बदलने का वक्त आ गया है। यार नीचे करो। रुको, तुम लोग मांडवली करके इस लड़ाई को रोक सकते हो यार। और अगर मार काट ही करनी है तो मैं जरा साइड में हो जाता हूँ ना। तुम्हारा नया सरदार है। माफ करना, लेकिन तेरा नाम क्या है? टेजर फेस। मैं ये सोच के हंस रहा हूँ कि तेरी माँ ने क्या सोचकर तेरा नाम टेजर फेस रखा होगा। तू रोज आईने के सामने खड़ा होकर कहता होगा, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ टेजर फेस। बेटर करा मेरा हंस हंस के। अच्छा अच्छा, तुझे घर पे क्या बुलाते हैं? गोटिया पठान।
ठीक है टेजर फेस, अगर मैं बच गया तो तेरा नाम ब्रह्मांड में मशहूर कर दूंगा मैं टेजर फेस। तेरी किस्मत में होगा मरना, पर मेरी नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। तू हंसता भी है? एक सेकंड के लिए मुझे अच्छा लगा, पर फिर तेरे सड़े हुए दांत देखकर मुझे उल्टी आ गई। ये तेरा रोज का चुटपा है या सिर्फ आज? पर्सनालिटी ऐसी है। ए अंकल को बाहर निकालने में मदद करोगे? तुम्हें जाकर एक चीज लानी होगी, वहाँ सरदार के कमरे में लोहे का एक हेलमेट रखा हुआ है जो मेरे सर का ताज है, रंग लाल, समझ में आया? ये मेरा कच्चा है। मुझे पता था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसे भोजपुरी में समझा। तहरा कहत बानी सर का कंटोप, ये वोर्कर की आंख है, वो सोते वक्त उसे निकाल देता है। जाओ फिर से देखो। पर ये आंख यहीं छोड़ के जा। पर क्यों? क्योंकि कल सुबह उसके पास अपनी आंख ढूंढने के लिए आंखें नहीं होगी। इसकी परत बहुत मोटी है, बॉम्ब तभी असर करेगा जब इसे ईगो के जड़ में लगाएं, क्योंकि इन छोटे छेद में हम अपनी मोटी तशरीफ लेकर घुस नहीं पाएंगे। ये है ना? अरे ना ना, इससे ना हो पाएगा। ध्यान से सुन, पहले ये बटन दबाना है, फिर ये बटन, इससे ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद ये वाला दबाना, ये बटन मत दबाना वरना बॉम्ब उसी वक्त फट जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। चल अब बता मैंने तुझे क्या क्या समझाया। बिल्कुल ठीक। नहीं, ये वाला बटन दबा के सबकी जान लेगा क्या? नहीं, दिमाग में दीमक है क्या? वहां नीचे जाकर तुझे कौन सा बटन दबाना है मुझे बता भी। नहीं, ओए तू उसे डरा रहा है। चुप कर और कहीं से टेप लेकर आ। मेरे पास टेप नहीं है लेकिन देखता हूँ यार। नहीं पूछा। अपने बैग में कीमती बैटरीज और एटॉमिक बॉम्ब लेके घूमता है, तो टेप भी तेरे पास ही होना चाहिए ना। कब से वही तो कह रहा हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब ब्रह्मांड तो गया।